नमस्कार प्यारे दर्शकों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अभिनंदन करती हूँ आपके अपने खास YouTube चैनल में नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों को प्यार बड़ों को मेरा नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आचार्य सपना श्री और आज हम बात करेंगे अपने पांचवें नवरात्रे की माँ स्कंद माता दोस्तों ये माँ का एक आशीर्वाद भरा रूप है माँ हमेशा अपने बच्चे के सर पर अपना हाथ रखती है बच्चा माँ के साथ कैसा भी व्यवहार करे कुछ भी करे माँ का एक आशीर्वाद बच्चे के साथ हमेशा चलता है इसलिए कहते हैं सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत वो इंसान है जिसके माता पिता उनके साथ हैं तो जब तक हमारे माता पिता है कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है नवरात्रा अपना शुरू करने से पहले हम लोग सोचते हैं फास्ट रखना है फूल माला आई कि नहीं आई बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं नवरात्रों के दिन पर है ना लेकिन क्या भूल जाते हैं अपने माता पिता को नमन किया उनका स्मरण किया अगर वो आपके पास नहीं है उनको प्यार दिया अपना उनसे प्यार लिया आपने ये सब बातें दोस्तों बहुत जरूरी हैं क्योंकि सबसे पहले हमारे माता पिता हैं उसके बाद माँ भगवती है माँ भगवती वैसे ही आपको बहुत आशीर्वाद देके खुश हो जाएंगी अगर आप ऐसा करेंगे तो अपने परिवार के साथ खुश रहेंगे तो दोस्तों नवरात्रों के दिन में हम सोचते हैं कि आज कौन सा नवरात्रा है आज कौन सी माता का नवरात्रा है लेकिन एक बात कहूँ अपने घर में कुछ चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे ना तो माँ की असीम कृपा को आप महसूस करेंगे असीम कृपा को क्योंकि ये जो नौ दिन होते हैं नवरात्रों के जो नौ रातें होती हैं ये जो पावरफुल ऊर्जा से भरे ये जो नौ दिन होते हैं ये हमारे को पूरी तरीके से हमारे ज़िंदगी के ये नौ एरियाज को नौ क्षेत्रों को पूरी तरीके से एनर्जाइज कर देते हैं उसमें ताकत भर देते हैं कोई रूप होता है माँ का जो कि हमारे को हमारे रिलेशनशिप के लिए हमारी फैमिली के लिए बच्चों के लिए चाहिए होता है कोई माँ का रूप होता है जो आशीर्वाद का होता है आज का जो दिन है वो है बुद्धि के विकास का सबसे पहले कहते हैं ना कि माँ लक्ष्मी भी अगर आ जाए और बुद्धि ना हो तो क्या होगा पैसा आ जाए और बुद्धि ना हो तो क्या होगा आप उस पैसा को खंडित आप उस पैसे को बर्बाद कर देंगे आप उस पैसे को नष्ट कर देंगे उस पैसों को तो क्या जरूरी है सबसे पहले बुद्धि तो माँ सकंद माता के पास वो बुद्धि देने के लिए वो आशीर्वाद है आपको कि आपको सबसे पहले सद्बुद्धि मिले तो अपने मन में ये भाव रख के हम माँ की पूजा करेंगे कि माँ हमारे घर में रहने वाले और हमारे पूरे जन कल्याण के लिए हमारे पूरे जितना भी हमारी सृष्टि चल रही है सबको सद्बुद्धि प्रदान करो क्योंकि माँ सिर्फ आपके घर में नहीं इस टाइम पे माँ का जो आशीर्वाद है वो पूरी सृष्टि पे चल रहा है कोई नवरात्रि रखे या ना रखे माँ का काम है बच्चों को प्यार देना माँ को आशीर्वाद देना तुम उसको पूजो या ना पूजो माँ तुम्हारी पूजा करने का इंतज़ार नहीं कर रही है लेकिन अगर हम करते हैं तो माँ प्रसन्न होती है और हमारी तरफ उसकी नज़र आती है जब हम बुलाते हैं माँ को तो माँ तुरंत हमारी तरफ देखती है वो देखना ही उनका आशीर्वाद होता है तो आज के दिन क्या होता है कि बुद्धि का विकास होता है घर के सभी लोगों के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना करेंगे कि घर के सभी लोगों को सद्बुद्धि मिले जो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो और अच्छा कार्य करें और कोशिश करिए कि ये जो नौ दिन क्या चल रहे हैं हमेशा के लिए उस घर में माँ भगवती की कृपा हमेशा बनी रहती है हमार को हर एक पल हर एक क्षण प्रोटेक्शन की ज़रूरत है आशीर्वाद की ज़रूरत है क्या हमें सिर्फ ये नौ दिन आशीर्वाद चाहिए इसके बाद नहीं चाहिए क्या इसके बाद भी चाहिए तो कैसे करेंगे अपने घर में एक खुशी का माहौल बना के सबको साथ लेके चलना अपने अंदर से जो जलन पैदा होती है ना जो ईर्षा पैदा होती है ये जो शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं ये भी अपने आप में एक नेगेटिव फोर्सेस हैं बहुत स्ट्रांग इन फोर्सेस को कहीं ना कहीं हम कम करेंगे ताकि आपके पास जो है ना सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़े और वो आपकी तरफ आकर्षित हों दोस्तों सकारात्मक ऊर्जाएँ ना आपके चेहरे पे आपके और मंडल में नज़र आती है कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो अपने घर में जो एक घर का जो और होता है ना घर के और को हम क्या करेंगे उसको साफ़ सुथरा बनाएंगे कोई गाली गलोच नहीं करेंगे ऊँची आवाज़ में कोई बात नहीं करेंगे कोई मार पिटाई नहीं होगी ठीक है आप लोगों को घर में और अगर कोई पार्टी करनी है कुछ करना है आप सब करिए लेकिन घर के माहौल को जो है ना उसको ठीक बना के रखिए क्योंकि जब तक घर के अंदर ऐसा माहौल नहीं बनता ना ऊर्जाएं वहां पर वास करती नहीं है अच्छी ऊर्जा वहां पर फिर नकारात्मक ऊर्जाओं का वास शुरू हो जाता है और एक बार हो गया तो इनका जाना फिर इतना आसान नहीं होता गलत इंसान के चंगुल से निकलना इतना आसान नहीं होता लेकिन अच्छे इंसान की मित्रता को खो देना एक क्षण भर की बात होती है कोई अच्छा मित्र बन जाए ना और एक दिन हमारी लड़ाई हो जाए तो वो क्षण बन में हमारी मित्रता खत्म उससे हो जाती है और यही किसी गलत इंसान का वास अगर हो जाए हमारी ज़िंदगी में किसी गलत इंसान के चुंगुल में हम फंस जाए तो सालों साल अरसे निकल जाते हैं निकलने में तो समझिए आप इस बात को कि नेगेटिव फोर्स की जो पावर होती है ना वो कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होती है उसकी काट करना इतना आसान नहीं होता अपने घर में अच्छा माहौल बनाएं ताकि अच्छी ऊर्जाएं आपके घर में आए सबको सद्बुद्धि मिले और माँ भगवती का माँ पार्वती का माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद आप सबको मिले ये नौ दिन इन नौ दिनों के बाद भी हमेशा के लिए दोस्तों मैं जब से साधना में गई हर एक क्षण हर एक पल एक कनेक्टिविटी एक कनेक्शन बना के मैं चलती हूँ उसके बिना अब ज़िंदगी में ना अब सांस आना मुश्किल हो जाता हर है हर एक सांस के साथ वो चीज़ें याद आती हैं हर एक सांस के साथ बात होती है परेशानियाँ छोटी मोटी आती हैं बिल्कुल आती हैं इंसान है ऐसा नहीं है कि हमें नहीं आती है पर महसूस ही नहीं होती है वो परेशानियाँ महसूस नहीं होती हैं मैं चाहती हूँ आप लोगों की ज़िंदगी भी ऐसे बने जिंदगी को सहज सरल बनाइए अपने अंदर से ईर्षा कंपटीशन ये भावनाएं अपनी निकाल दीजिए सब कुछ अपने आप अच्छा होना शुरू हो जाएगा एक सिलेंडर करने की एक अपने आप को समर्पण की भावना जो अगर आ गई ना तो आप लोग क्या क्या अपनी ज़िंदगी में देखेंगे वो आप लोगों ने भी सोचा भी नहीं है बहुत बढ़िया आप लोगों की ज़िंदगी हो जाएगी मां सकंद माता का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे इसी की मनोकामना मैं करती हूँ आप सभी से अभी आज्ञा लेती हूँ जल्द मुलाकात होगी फिर ऐसी कुछ रहस्य में हम बातें करेंगे